का 13 दिन के अंदर ही इतना सब कुछ घट गया सर कि फर्स्ट हमें ये हुआ कि 2 दिन लड़खड़ाया, फर्स्ट 2 दिन लड़खड़ाया तो ऐसा लगा कि ये खेला होगा या कहीं पर कुछ हल्का फुल्का कुछ हुआ होगा धक्का मुक्की से, तो उसको अपन थोड़ा सा उतना केयर नहीं किए। तीसरे दिन सर ये थोड़ा ज़्यादा ही लड़खड़ाना शुरू हो गया, और चौथे दिन सर ये दीवार पे जा रहा था, मतलब चलने पर कभी इस दीवार को सहारा ले रहा था कभी इस दीवार को, तो हमने चौथे दिन फिर देरी नहीं किया सर, बोले नहीं हम बिना किसी देर के यहाँ चले जाते हैं। ऋषभ भी उसे पैर में कमजोरी आ गई, 13-14 दिन अच्छे से नहीं चल पा रहा। पेशेंट को सडनली पाँव की ताकत में जब कमजोरी आती है हमें ये बीमारी मालूम नहीं। अगर हम लोग इसको और डिले करते तो फिर उसको अच्छा नहीं कर पाते। 98% ताकत को क्यों बचा पाते क्योंकि हमारे पास वो मशीन है यहाँ पे अस्पताल में। इस प्रकार के स्पाइनल ट्यूमर्स में यूजुअली एनास्थेसिया टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होती है, न्यूरो मॉनिटरिंग अच्छे से दिख जाए, न्यूरो सिग्नल्स अच्छे से एनालिसिस कर सके। अपने बेटा को अपने से दूर ज्यादा समय तक के लिए नहीं छोड़ जी। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ का कि बच्चे को महत्व दिए, पैसा को नहीं दिए। बाकी हॉस्पिटलों में क्या करते हैं, पहले पैसा जमा करवाते हैं उसके बाद जो इलाज करवाना है वो करवाते हैं, और मेरा बेटा आज अच्छा है।